यार मेरे बॉयफ्रेंड का जन्मदिन है, के गिफ्ट दूँ? कितना साल का है? 14 साल का। उसकी स्कूल की फीस भर दे। मैं घूमूं, फिरूं, नाचूं, गाऊं, हंसूं, खेलूं, बाहर जाऊं, अकेली जाऊं, किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या? तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हसी सितम? इश, क्या फिल्मी लाइन मारी है। मौसम से सीखा है मैंने, वक्त पर बदलना जरूरी है। भैया बुरा वक्त भी कट जावे, बस फोन चार्ज होना चाहिए। जानू, अगर अपना दिल नहीं देना तो कोई मसला नहीं है, हमारा बिजली का बिल ही दे दो इस दफा। 10,000 रुपया आया है, दिल अगले महीने दे लूंगी। देखने को मुझको सौ बहाने तू बनाए, ऐसा भी क्या मुझ में है बना। लोग मुझे कुछ कहें और मैं चुप रहूं, ना जाने ऐसी अकल मुझे कब आएगी। इस जन्म में तो नहीं आने वाली। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी कराने में कितना खर्चा आ जाएगा? ऐसे ही 2-2.5 लाख। अच्छा, और प्लास्टिक हम दें तो? हाँ, आप कहाँ जा रहे? मैं तो इंदौर जा रही हूँ, मैं गई थी छत्तीसगढ़ अपनी माइके गई थी। आप कहाँ गए? अच्छा, ये ट्रेन का मज़ा बहुत अच्छा लगता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पहली बार ट्रेन में जाते हैं, हम तो हमेशा एसी डब्बे में जाते हैं और एसी का बहुत मतलब रेट लगा रहता है वहाँ, एकदम प्रोफेशनल लोग। तो यहाँ इतनी कचर कचर बोलते, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। हम हमेशा एसी में जाते हैं, पर इस बार टिकट मिला, हमको स्लीपर में आना पड़ा। हाँ, हम हमेशा एसी में जाते हैं, एसी में हमको टिकट मिलता है, पर इस बार पता नहीं पापा ने टिकट नहीं स्लीपर का करके दिए। स्लीपर का करके दिए, स्लीपर में आना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते होता। तो ये बच्चे भी ना ऐसे ही परेशान करते हैं, इधर इधर हमने इधर, कितना भी बोलो बच्चे ना लोगों का लेके खा ही लेते। हम लोग बोलते ना कि यहाँ का खाना मत, ट्रेन में आओगे तो ट्रेन में सब बेहोश होश कर लेंगे, सुना है बहुत। हाँ, हम जब भी जाते हैं ना ट्रेन में यही सब बात करते हैं, और एसी के डब्बे में सीरियस होते, कोई किसी से बात नहीं करते, स्लीपर में ना साहब सबसे बात करते हैं, इसमें बात करते हैं। वहाँ रहते तो ज्यादा बात होती नहीं, आप लोग आए ना तो अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मैं ना छत्तीसगढ़ जा रही थी, बताया मैं इंदौर में रहती हूँ ना, और हमारे इंदौर में तो ऐसे ही सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, हम तो अच्छे से बात कर लेते हैं। और मैं हमेशा ड्रेस पहन के जाती हूँ, राखी है ना, तो साड़ी पहन के जाना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं, सुनना ही पड़ेगा ना सबका। इनको बोला ना मैंने एसी में करा दो, बस में करा दो, बस की टिकट ही नहीं मिली तो कहाँ से जाए बताओ, अब क्या कर सकते हैं। अरे मुन्ना खड़ा करो, क्या यार परेशान कर देता है मुन्ना भैया, खचर पचर मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये बेचते रहते ना जो लोग, हम खरीदते हैं इनसे, पर अभी नहीं खरीदेंगे हम, बाहर घर से खाना लाए ना हम, घर से टिफिन बना के लाते हैं हम, सब कुछ फ्राई व्राई करके लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं हम, यहाँ का कुछ नहीं खाते, एकदम गंदा। मैंने एक बार बिरयानी मंगवाई थी, इतना गंदा बिरयानी था ना, बहुत गंदा। मैं तो तब से मतलब लिख के रखा है मैंने, हाँ मैंने तो लिख के रखा है कि नहीं खाना वहाँ का, हम नहीं खाते, कभी भी हम नहीं खाते हैं। लेकिन ना जब भी आते हैं ना इस ट्रेन में ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं उतरती रहती हूँ, पता है।